नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप जुड़ चुके हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़ से। दोस्तों, आज भारत सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दों पर लिए गए फैसले, जैसे आर्टिकल 370 को समाप्त करना, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना, कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना का पाकिस्तान सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसे हम POK यानी पाकिस्तान कश्मीर कहते हैं, इसी तर्ज पर पाकिस्तान ने हमारे पास वाले कश्मीर के हिस्से को IOK यानी इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर कह पुकारना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने आनन फानन में संसद का विशेष सत्र बुलाया, दोनों सदनों का ज्वाइंट सत्र चला, जम्मू कश्मीर पर लिए गए भारत सरकार के फैसले पर चर्चा की। इससे पाकिस्तान दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर पूरा पाकिस्तान एक है। पाकिस्तानी संसद में यह मामला उठा और जोरदार हंगामा हुआ। दो दिनों तक बहस चलने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की निंदा कर उसके फैसले को अवैध और गैरकानूनी बताया गया। इस पर पाकिस्तानी सेना ने भी अपना बयान दिया और कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त कर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को कानूनी वैधता देने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, उसे पाकिस्तान कभी कबूल नहीं कर सकता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को निष्कासित भी कर दिया है। मोइनुल हक को भारत में पाकिस्तान का राजदूत बनकर आना था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने रद्द कर दिया है। भारत के साथ अपनी कूटनीतिक रिश्तों को भी समाप्त करने की कोशिश पाकिस्तान सरकार द्वारा की जा रही है। तत्काल द्विपक्षीय व्यापार को पाकिस्तान सरकार ने रद्द कर दिया है। कश्मीर में भारत ने जो किया है, उसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने का घोषणा पाकिस्तान सरकार द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस कश्मीरियों के साथ एकजुटता के तौर पर मनाने का घोषणा किया है। इस सब के बाद पाकिस्तान ने आंशिक तौर पर अपना एयर स्पेस भी भारत के लिए बंद कर दिया है। समझौता एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी ट्रेन चालकों ने ट्रेन लेकर भारत आने से इनकार कर दिया है, जिसे भारत सरकार ने अपना चालक भेजकर ट्रेन को वापस मंगवा लिया है। दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, इस पर किसी तरह का टिक्का टिप्पणी करने से पहले पाकिस्तान अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे, ताकि दोनों देशों में कूटनीतिक संबंध यथावत रहे। द्विपक्षीय वार्ता बंद करना, व्यापार पर रोक लगाना, एक दूसरे के राजदूत लौटाना और आपसी कूटनीतिक रिश्तों के अहमियत को समाप्त करना जैसी घटना भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर होती रहती है। 70 सालों में ऐसा कई बार हो चुका है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल गलत है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। आर्टिकल 370 में बदलाव करना या जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कर सरकार के फैसले को भारत में समर्थन और विरोध दोनों मिला है। संसद के अंदर किसी पार्टी के साथ दिया और किसी ने आपत्ति उठाई, जो कि लोकतांत्रिक तरीका है। विरोध और समर्थन डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बाकी जितनी बातों पर मतभेद भले हो, लेकिन कश्मीर के अभिन्न अंग होने पर भारत में एकमत है। पाकिस्तान जो प्रतिक्रिया कर रहा है, बस कश्मीर पर अपने दावे को जिंदा रखने के लिए उसका एक प्रोपेगेंडा है। दूसरी वजह, कश्मीर पर आक्रामक स्टैंड लेने दोनों सरकारों की मजबूरी रही। कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। ऐसी खबर है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर फैसला लेने से पहले अमेरिका को अपने विश्वास में लिया था। इस पर भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कश्मीर मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है। भारत सरकार इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी कभी स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, आप देख रहे थे आज का वीडियो। मुझे आशा है आप सबको पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो इस खबर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो बंधु चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या हर रोज़ नई खबर से आप रूबरू होते रहते हैं। मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ, बने रहे अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।